मोर्चा के आह्वान पर आने वाली 20 मार्च को देश का बहुत बड़ी तादाद में किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और पार्लियामेंट का भी सेशन चला हुआ है, वहीं कानून बढ़ते हैं, वहीं खत्म किए जाते हैं, तो देश का किसान वहां जाकर के पार्लियामेंट के सामने हुंकार भरेगा। 13 महीने आंदोलन करके और जब प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन के दबाव में आकर के 3 कृषि काले कानून को वापस लेने की घोषणा की थी और MSP पर खरीद गारंटी का कानून बनाने, किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति, बिजली बिल 2020, पराली जलाने वाला बिल और लखीमपुरी कांड के जो गुनाहगार हैं उनको सजा ना देना, उनका बचाव करना, ये मुद्दे आज तक सब वही पकड़ है, वही मोर्चा, वही किसान है, वही ये देश है, वही ये सरकार है। बिल्कुल मजबूत है किसान और मजबूती के साथ अपने हकों के लिए लड़ेगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के तेजली गांव से, जहां पर रतन मान जी को पगड़ी पहनाकर फिलहाल यहां पर उनको स्वागत किया जा रहा है और 20 तारीख को 20 मार्च को जो जंतर मंतर पर किसान इकट्ठा होंगे उसके लिए न्योता देने के लिए फिलहाल यमुनानगर के तेजली गांव में आए हैं। और मैं आपको बता दूं ये पहले गांव चढ़ूनी गुट समर्थित था, पर लेकिन इन्होंने भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप से प्रेरित होकर फिलहाल भारतीय किसान यूनियन को फिलहाल ज्वाइन किया गया है और पगड़ी पहनाकर फिलहाल सम्मानित भी यहाँ पर किया गया है और लगातार लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। और फिलहाल देख सकते हैं पद देकर भी सम्मानित यहां पर किया जा रहा है तेजली गांव के युवाओं को। लाइव तस्वीरें भारतीय किसान यूनियन में युवा उपाध्यक्ष की उपाधि दी गई है और लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप को लगातार तेजली गांव यहां पर ज्वाइन करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और 20 तारीख का न्योता भी फिलहाल देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं जिला महासचिव यहाँ पर बनाया गया है बिट्टू तेजली को, तस्वीरें लाइव तस्वीरें। तो सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहेगा। तस्वीरें भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। किन अहम मुद्दों को लेकर फिलहाल तेजली गांव में, यमुनानगर के तेजली गांव में पहुंचे और किस तरीके से जो चढ़ूनी गुट से के बाद यहां पर जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप में यहां पर फिलहाल किस प्रेरणा के कारण यहां पर ज्वाइन किया, उस चीज को भी लेकर बातचीत करेंगे रतन मान जी से। क्या कुछ कहना है पूछे पूरे मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी हमारे बीच में है, क्या कुछ कहेंगे? आज तेजली गांव में पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है यहां पर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हम दिल्ली में 13 महीने आंदोलन करके और जब प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन के दबाव में आकर के 3 कृषि काले कानून को वापस लेने की घोषणा की थी और MSP पे खरीद गारंटी का कानून बनाने, किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति, बिजली बिल 2020, पराली जलाने वाला बिल और लखीमपुरी कांड के जो गुनाहगार हैं उनको सजा ना देना, उनका बचाव करना, ये मुद्दे आज तक सभी बकाया हैं। और एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आने वाली 20 मार्च को देश का बहुत बड़ी तादाद में किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और पार्लियामेंट का भी सेशन चला हुआ है, वहीं कानून बढ़ते हैं, वहीं ख़त्म किए जाते हैं, तो देश का किसान वहां जाकर के पार्लियामेंट के सामने हुंकार भरेगा। और वो जो डिजिटल समझौता जो आंदोलन में किया गया था उसके बारे में वहाँ पार्लियामेंट को जगाने के लिए किसान वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इकट्ठे होंगे, संसद की तरफ किसान बढ़ेंगे। रतनमान जी, जैसे पहले पकड़ बनी थी किसान आंदोलन की, क्या अब की बार भी वही पकड़ बन पाएगी? बिल्कुल वही पकड़ है, वही मोर्चा, वही किसान है, वही ये देश है, वही ये सरकार है। बिल्कुल मजबूत है किसान और मजबूती के साथ अपने हकों के लिए लड़ेगा। आज तेजली गांव में पहुंचे हैं काफी सारे जो चढ़ूनी गुट से थे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन किया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले? और देखिए आज कलिपुरा गांव में आपके जिले में, वहां भी पूरे गांव ने आपके संगठन बनाने का ऐलान किया है। यहां तेजली गांव भी हमारा बहुत क्रांतिकारी गांव है किसान आंदोलन में और यहां आज किसान पंचायत की गई और किसानों के मुद्दे पर दिल्ली जाने पर चर्चा की गई और इन्होंने भी
भारतीय किसानों ने अपनी आस्था जताई है, क्योंकि किसान आंदोलन चाहता है और किसान आंदोलन के बगैर किसानों के, मजदूरों के, देश के मुद्दे हल नहीं होते। और आज भारतीय किसानों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि विपक्ष भी कमजोर है। आज किसान मजदूर की लड़ाई और विपक्ष का काम भी भारतीय किसान यूनियन कर रही है, तो इसमें सभी लोग बड़े उत्साह के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन से ही 3 काले कानून वापस हुए। अब गुलाम चढ़ुनी राजनीतिक पार्टी में भी चला गया, BRS पार्टी में, तेलंगाना वाली सरकार जो, उसमें वो चले गए हैं, उसके वो किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बने। कोई हमारा ऐतराज नहीं है, हर कोई स्वतंत्र अपना काम करने के लिए। उनकी जिज्ञासा अगर राजनीति की रही भी है, पंजाब के चुनाव में भी रही, यहाँ भी चुनाव लड़े, तो वो स्वतंत्र है और हमें कोई ऐतराज नहीं, और वो जाए अपनी राजनीति करें। हाँ, वो रामलीला मैदान में सभी होंगे, संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया है, और आगे का जो कार्यक्रम रहेगा वो संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश करेगा, निर्देश करेगा, तो वो होगा। दोबारा वाली बात नहीं है, हमने तो बॉर्डर पहले भी सील नहीं किए कभी ना, हमने वो सरकार ने रोके थे, हम बैठ गए थे, अब वो सरकार ने देखना वो तो क्या आपकी बार फिर किसान जाएंगे, अगर सरकार रोक ले क्या किसान वहीं बैठ जाएंगे? तो बिल्कुल सरकार बिठाएगी तो बैठ जाएंगे, सरकार जेल भेजेगी तो जेल जाएंगे, सरकार गोली लाठी चलाएगी तो वो भी सहन करेंगे। कितनी संख्या दे करीब तुसी मान लो कि इस परिवार की क्या संख्या है, तो बहुत लंबा चौड़ा किसान मजदूर का परिवार बहुत बड़ा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, तो फिलहाल आपने देखा क्या कुछ कहना था रतन मान जी का इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से पूरे तेजली गांव ने आज भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया और 20 तारीख का 20 मार्च को जो दिल्ली कूच को लेकर हवाला दिया गया उसमें यह कहा गया कि अगर सरकार रोकेगी बॉर्डर पर तो वो पहले की तरह ही वहीं पर बैठ जाएंगे, अगर सरकार जेल में डालेगी तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार है, तो यह आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है 20 मार्च को, यह भी देखना फिलहाल बाकी रहेगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।